अभी जो आप हमारे हाथों में देख रहे हैं, इसे देखकर मैं पूरा तरह से चौंक गया कि क्या कुछ एक्सिस बैंक की तरफ से भेजा गया है। हालांकि ऊपर से जब इसमें मैंने देखा तो एक कार्ड की जैसा लग रहा था, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि इसमें क्रेडिट कार्ड है या फिर डेबिट कार्ड है। मैं पूरा कंफ्यूज हो गया क्योंकि रिसेंटली मैंने कोई भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के लिए आवेदन नहीं दिया था, फिर भी एक्सिस बैंक की तरफ से ये भेजा गया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि एक्सिस बैंक की तरफ से आखिर इसमें भेजा क्या गया। तो एक्सिस बैंक ने कुछ इस प्रकार से पैक करके भेजा है कोई कार्ड, ठीक है। ये मेरी मम्मी के नाम से है और पूरा एड्रेस दिया गया है, पूरा सेफ्टी के साथ ये भेजा गया है प्लास्टिक में। तो एक्सिस बैंक जब भी कार्ड सेंड करती है कुछ इसी प्रकार से, चलिए देखते हैं। भाई देखो यहाँ पर तो ये ओपन हो गया है, इससे हम बाहर निकालते हैं और देखते हैं। देखो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ये जो सेटअप बताया गया है वो क्रेडिट कार्ड एक्टिवेशन का सेटअप बताया गया है, इसका मतलब इसमें क्रेडिट कार्ड दिया गया। और जबकि रिसेंटली कोई भी मैंने क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया, मम्मी के नाम से तो खास तौर पर किया ही नहीं। तो ये जो क्रेडिट कार्ड दिया गया है, आखिर देख लेते हैं कि कौन सा क्रेडिट कार्ड दिया गया है और क्या कुछ लिमिट है। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड है। देखिए यहाँ पर फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड दिया गया, ऊपर में लिमिट जो दिखाया गया है वो 30,000 रुपया की लिमिट दिखाया गया है, ठीक है। इसमें एड ऑन कार्ड नहीं है। तो फाइनली आपने देखा कि एक्सिस बैंक की तरफ से इसमें क्रेडिट कार्ड भेजा गया, फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जो कि 0 सिविल स्कोर पर बहुत पहले मैंने अप्लाई किया था। इसका कहानी थोड़ा सा लंबा है लेकिन आसान भाषा में मैं समझाऊंगा। सबसे पहले इस क्रेडिट कार्ड के बारे में समझ लेते हैं कि क्या क्या डिटेल्स दी गई है। ये लिमिट 30,000 रुपया का, इंटरनेशनल लिमिट 30,000 रुपया का, और कैश विड्रोवल लिमिट 9,000 रुपया का, ज्वाइनिंग फी 0 और एनुअल फी 0, ठीक है। प्राइमरी कार्ड एक्टिवेशन कोड यहाँ पर दिया गया है, तो ये 6 डिजिट का है। एड ऑन कार्ड एक्टिवेशन कोड अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर देख सकते हो 5% की कैशबैक मिलती है, फ्री चार्ज के स्पेंड पर 2% की कैशबैक मिलता है कैब्स, मेट्रो एंड अदर लोकल ट्रांसपोर्ट पर, और 1% की कैशबैक सभी प्रकार के स्पेंड पर दिए जाती हैं। अप टू 20% ऑफ 4,000+ पार्टनर रेस्टोरेंट पर बेनिफिट मिलते हैं, एक्टिवेशन बेनिफिट वर्थ 700 का वाउचर। यहाँ पर एक्सिस एप्लीकेशन से, इंटरनेट बैंकिंग से और ATM में जाकर पिन को सेट कर सकते हैं, और जो भी इम्पोर्टेंट यहाँ पर चीज़ें हैं वो बताई गई है। तो आप देख सकते हैं एक्सिस बैंक जो मुझे ये कार्ड दी है, चलो यहाँ से उठाते हैं। दोस्तों एक सूचना भी इनके तरफ से अभी कार्ड के साथ दिया गया है जिसे आप पढ़ लेंगे इम्पोर्टेंट करके। योर कार्ड इज इन डीएक्टिवेटेड मोड, टू एक्टिवेट SMS ACA, उसके बाद यहां पर लास्ट 4 डिजिट एंटर करना है कार्ड का, 5616 1600 पर आपको SMS सेंड कर देनी है, या 8691 उसके बाद 5x02 पर आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से कॉल करना है, या फिर 1860419 4x5 पर कॉल करना है, या 1860500 4x5 पर आपको कॉल करना है, और यहाँ पर लास्ट 4 डिजिट क्रेडिट कार्ड का बताना है जिससे आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो ये जो क्रेडिट कार्ड है वो डीएक्टिवेट मोड में है। चलिए आपने देख लिया वीडियो, अब आपको बताते हैं इसकी कहानी कि आखिर 0 सिविल स्कोर पर और रिसेंट में मैंने कोई अप्लाई भी नहीं किया, फिर ये क्रेडिट कार्ड कैसे दिया गया। देखो दोस्तों 2 साल पहले मैंने एक वीडियो बनाया था फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, अगर आप सर्च करोगे तो सर्च करना फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड IND हिंदी टेक, 2 साल पहले वाला आपको वीडियो मिल जाएगा। जब अप्लाई कर रहे थे तो जो मोबाइल नंबर से हमने अप्लाई किया था वह मोबाइल नंबर मम्मी के एक्सिस बैंक अकाउंट में लिंक था, तो वहां पर एरर आ गया था। बाद में एक होता है कंडीशनली अप्लाई, जब आप एक्सिस बैंक का फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो कंडीशनली अप्रूव्ड कर दिया जाता है और वहां पर लिमिट आपको शो कर दिया जाता है। तो उसी प्रकार से वहां पर एरर आ गया था लास्ट स्टेप में जहां पर OTP डालना था, फिर मैंने ट्राई किया तो बोला गया कि नहीं भाई नहीं मिलेगा।
उसके बाद जैसे ही मैं एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन में देखा, मुझे वहां पर एक कार्ड शो हो रहा था, फ्री चार्ज एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, जिसमें 30,000 रुपया की लिमिट दिखाया गया, फर्स्ट 4 डिजिट और लास्ट 4 डिजिट शो हो रहा था। उसका कोई वर्चुअल कार्ड भी एक्सेस करने को नहीं दिया गया और ना ही कोई फिजिकल कार्ड भेजा गया, ना तो वीडियो KYC कंप्लीट हुआ, ना कोई इनकम प्रूफ मांगा गया, ना ही यहां पर ऑनलाइन या फिर फिजिकल कोई वेरिफिकेशन हुआ। बस अप्लाई करने गए, लास्ट में OTP डाला और उसके बाद एरर आ गया, लेकिन फिर भी क्रेडिट कार्ड शो हो गया। अब ये 2 साल के बीच कई दफा मैंने कस्टमर केयर से बात किया कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड मिलेगा या फिर नहीं, अभी तक ना तो वर्चुअल मिला ना ही फिजिकल मिला। कस्टमर केयर का कहना था कि आपको मिलेगा, 7-8 दिन रुक जाओ। फिर कहना था कि आपका क्रेडिट कार्ड भेज दिया गया है, लेकिन भेजा नहीं गया क्योंकि इन ट्रांजिस्ट दिखा रहा था लेकिन भेजा नहीं गया। तो अलग अलग बातें कहा जाता था। कुछ का कहना ये था कि ये जो क्रेडिट कार्ड है वो आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं किया गया है, KYC वगैरह जो भी है नहीं किया गया है। तो फाइनली मुझे एक नोटिस आया था जो कि आप सभी को पता होगा, बताया गया था कि जुलाई 2022 से पहले ये वाला क्रेडिट कार्ड आप इस्तेमाल कर लो, नहीं तो बंद कर दिया जाएगा। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड था ही नहीं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूं। बीच में एक वीडियो भी बनाया था और आप लोगों को ये बताया था कि देखो ऐसा ऐसा क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हुआ और वहां पर रिप्लेस करने के बाद भी नहीं मिला। देखो पहले जो नंबर मिला था उसका लास्ट 4 डिजिट अलग था, बीच में मैंने रिप्लेस के लिए डाला उसका लास्ट का 4 डिजिट अलग था, ठीक है, उसके बाद भी मुझे नहीं मिला। और जो वो लोग नोटिस दिए क्रेडिट कार्ड बंद करने का, उसका लास्ट का 4 डिजिट अलग था, 3638 करके था, ठीक है। और अभी जो मुझे क्रेडिट कार्ड मिला है इसका लास्ट का 4 डिजिट अलग है, जो कि आप देखेंगे 1169 है। तो इससे क्या पता चलता है कि इससे ये पता चलता है कि देखो हमारे पास तो क्रेडिट कार्ड था ही नहीं, हम इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। उन लोगों को लगा कि भाई ये क्रेडिट कार्ड खो गया वगैरह वगैरह, मतलब जो भी उन लोगों को लगा पता नहीं क्या हुआ, तो वो हमें एक नया क्रेडिट कार्ड भेज दिए। जब हम इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई किए थे तब मम्मी के पैन कार्ड नंबर डालकर मैंने देखा तो बताया जा रहा था कि कोई भी क्रेडिट स्कोर नहीं है, क्योंकि मम्मी के नाम से लोन नहीं था और ना ही कोई क्रेडिट कार्ड था, तो वो कैसे क्रेडिट स्कोर बनेगा। तो 0 क्रेडिट स्कोर पर मैंने अप्लाई किया था, बस इतना था कि एक्सिस बैंक में मम्मी का अकाउंट था। तो इस प्रकार से भी अगर कंडीशनली अगर आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव्ड हो जाता है, अगर दिखा दिया जाता है आपको एप्लीकेशन, तो हो सकता है आपको ना मिले मेरे ही तरह, लेकिन जब 1 साल तक इस्तेमाल नहीं करेंगे तो RBI का गाइडलाइन ये है कि 30 दिन का नोटिस देकर क्रेडिट कार्ड बंद कर देना है। तो भाई ये लोग नया क्रेडिट कार्ड आपको भेज सकते हैं, अगर आप उसे चालू करना चाहें तो कर सकती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको अभी बता देना चाहूँगा, जो सबसे बड़ी चीज़ मैं यहाँ पर इसमें देख पा रहा हूँ वो लाइफ टाइम फ्री वाला मैं देख पा रहा हूँ। जब मैंने अप्लाई किया था तो लाइफ टाइम फ्री नहीं था, लेकिन अभी ये लोग लाइफ टाइम फ्री मुझे दे रहे हैं। और इसका प्रूफ तो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये देख लो यहाँ पर एड ऑन कार्ड नहीं दिया गया है, क्रेडिट लिमिट 30,000 का, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं ज्वाइनिंग फी 0 और एनुअल फी 0। ये SMS ही करना है, चलो SMS कर देता हूँ, ACA और उसके बाद 1169, ठीक है। चलो देखता हूँ, आ गया एक रिप्लाई। ये देखिए यहाँ पर डियर कस्टमर, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड इतना इतना नाउ हैज़ बीन एक्टिवेटेड, ठीक है, ये एक्टिवेट कर दिया गया है। तो वैसे मैंने आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया, उम्मीद करेंगे आप लोगों को जानकारी मिल पाया, आप लोग समझ गए होंगे। अब इससे आपका फ़ायदा क्या होगा, तो फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हैं तो कंडीशनली अप्रूव्ड हो जाता है। तो कभी कभी जो एक्सिस बैंक पे अकाउंट खोल रखे हैं उनके एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन में तुरंत शो होने लगेगा या फिर 1-2 दिन बाद भी शो होगा, तो जब शो होगा तो समझ जाओ कि आपको क्रेडिट कार्ड मिलेगा। वैसे अगर नॉर्मल प्रोसेस से नहीं दे रहे हैं तो भाई 1 साल बाद तो देंगे ही, जिस तरह से ये मिला है, ठीक है। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, वहाँ पर आपको मिल जाएगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो प्रोसेस है एक्टिवेट करने का वो बदल चुका है, वो तो आप सभी को पता ही होगा कि किस तरह से एक्टिवेट करना है। जब आप प्रोसेस में जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड को एक्टिवेट करना है एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन के वाया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं अभी तक आपको सारा कुछ स्पष्ट से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं तो भाई इसी तरह से इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।